प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान को जैसे जैसे एहसास हो रहा है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, यानी कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार ही भारत में आएगी, वैसे वैसे पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। जी हाँ, और पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही है, खासकर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे, कि अब जो सरकार आएगी वो हिंदू राष्ट्र बना देगी, यानी हिंदुत्व की जो है वो सरकार बनेगी। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तानी रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सोहेब चौधरी जी को। जय हिंद, जय भारत। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑफ सेक्युलर इंडिया, उस सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाके। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्या पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? यहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? और सेकेंडली, इंडिया में आज तक डिक्टेटरशिप नहीं आई, वहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस तरीके से होता है? क्या वाकई में अगर बीजेपी विन करती है तो वो हिंदुत्व की तरफ या हिंदुइज्म की तरफ जाती नजर आएगी? पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान शहजाद। क्या करते हैं कामरान भाई? मैं फिलहाल तो बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। और ये रेस्टोरेंट आप देख रहे होंगे, फ्राई ऑन, जबरदस्त ये रन कर रहे हैं फास्ट फूड। अच्छा, कैसा चल रहा है पहले तो ये बताएं, जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालत में बिजनेस कैसा चल रहा है? देखिए, हालात को बिजनेस के साथ कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो मुश्किल है। ठीक है। एक आम आदमी अपने जो घरेलू मसाइल हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात की बेसिक जरूरियात की चीजें हैं, वो पूरा कर ले बहुत है। उसके बाद जब सरप्लस इनकम होती है, पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा होता है, तब वो बाहर निकलता है कुछ अयाशी करने, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने। ऐसे ही है। अच्छा, जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, इसके ऊपर बात करेंगे क्या फ्री एंड फेयर हुआ। दूसरे नंबर पे नेबर कंट्री इंडिया, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो 74 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, 76 ईयर रफली, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि किसी ईयर में आप किसी इलेक्शन को भी कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई बेंचमार्क कह सकते हैं कि यार ये फ्री एंड फेयर था, इसमें कोई दो नंबरी धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन के बाद जो जीतता है वो कहता है, जिसने जो हारता है वो कहता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई, जो जीतता है वो कहता है सब कुछ सही था। ठीक है। और दोबारा जब उसका नंबर आता है, जो जीता हुआ हारता है, तो वो कहता है नहीं अब ये गलत है। तो ये चलता है इलेक्ट्रॉनिकल यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान का जो चल रहा है। और नेबर कंट्री में उसके साथ आप कंपेरिजन कर नहीं सकते। वजह यह है कि हमारे 76 ईयर्स में 28 साल तो वैसे ही आप निकाल दें जो कि हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, मार्शल ला था। और अगर उसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल ला नहीं हुआ। ठीक है। और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है। ऐसे ही है। और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क। ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और इसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। आप 24 करोड़ को कंट्रोल नहीं, सही नहीं कर रहे वो। अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़े बड़ी जिनकी जो इकॉनमी थी, जिन मुल्कों की, जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हौनो रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी आप फिर जानते होंगे? कौन नहीं जानता उनको। ठीक है। उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके, अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से पीसीबी के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके उसका ताल्लुक उन वो किन के साथ हैं और उनका ताल्लुक किन के साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आपको लगता है, नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्वा का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दो टने और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर उस और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टेनवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है और नजर आई है, दुनिया देख रही है और उन्होंने आईटी को उठा के देख रही है। एक सिंपल से एक हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा पांचवी बड़ी इकॉनमी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाए। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर वन कह लें या मतलब बहुत ज्यादा नंबर वन कहना, तो मैं भी कहूंगा कि फास्ट फूड में मैं नंबर वन हूं। लेकिन नंबर वन होना कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है, ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू, ठीक है। वहां पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखे ना तो आईटी वहां का बच्चा बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था पाकिस्तान में। आप भी किसी आज किसी स्कूल के पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं, वो कहते हैं जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो कहते हैं बाहर जाना है या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा, उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूं लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है, बड़ा अर्न कर रहा है, उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहे हैं। देखिए ना अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बांग्लादेश 1970 में हमसे अलग हुआ। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश जाने का एक प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा 2007-08 में मैं बांग्लादेश गया, ठीक है। और ऑनेस्ट टू गॉड मैंने जब वहां जाके देखा ना, पहले ही 2-3 दिन में मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त 2007-08 में हमारी करेंसी उससे बहुत बेहतर थी, ठीक है। वहाँ की इकॉनमी हमसे हमारी बेहतर थी, ठीक है। वहाँ के जो हालात देखे ना, यहाँ पर तो हम, मैं सॉरी अपोलोजीज करके की बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक अयाश कौम की तरह रहते हैं, पैदल चलना हमारे लिए तौहीन है, रक्षे भी ऑटो रक्षे हैं। वहाँ पर गली गली में आपको चौक के ऊपर साइकिल रक्षे में लोग खड़े हैं, गुर्बत का राज है। 2007 की आप बात कर रहे हैं और अब की, और अब आप देखें कि वो हमसे, वो जो करेंसी जब मैंने 1 रुपया दिया था तो मुझे वहां से 100 रुपया मिला था, 1 रुपए का 100 रुपया, 125 रुपया मिला, 125 रुपया, ठीक है। तो हमारी करेंसी उनसे, हमारी करेंसी बेहतर थी, ठीक है। और अब वो तकरीबन 2.5 टाइम हमसे ऊपर चले गए, ठीक है, तकरीबन 2.5 रुपए ऊपर चले गए ना। तो ये इतनी से टोटल थोड़े से टाइम में ग्रो करना, और बावजूद इसके कि वो लोग हम बहुत ज्यादा मेहनत कश है, सैलाब बहुत ज्यादा आते हैं और सुनामी उनके हर साल समंदर उगलता है और वहाँ के लोग घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं स्ट्रगल करने, और वो एज ए नेशन काम करते हैं, ठीक है। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने आप को नेशन, यूनिटी नहीं है हमेशा, हर इंडिविजुअल अपने आप को अलग तरह से सोचता है, हर सूबा अपने आप को अलग तरह से देखता है, और हर आप मतलब यहाँ से सिंधी किसी अपने आप को सिंधी कहेगा, पंजाबी, मतलब 20-20 किलोमीटर के बाद आपको हर बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो एक अलग सोच, अलग तरह के देखने को मिलेंगी। अच्छा मैं वैसे तो सर ये फास्ट फूड का काम कर बिजनेस करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, मुंसलिक हैं। देखिए एजुकेशन जैसे आप बात करें मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और यही चीजें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं बताई जाती, जो जहाँ जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं, जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना वहाँ पर वो भी एक दुकानदारी है, ठीक है। तो दुकानदारी बंदा पॉजिटिव वे में भी कर सकता है, पॉजिटिव वे में। अब एक होता है ना चस्का लेने वाली बात, हमारा
हम लोग, हम सॉरी मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूँ, हम लोग जहाँ पे चस्का मिलता है ना वो ज्यादा उस तरफ जाते हैं। ठीक है। अब मीडिया में भी आप जाके देखें जो ये जितने टॉक शो चल रहे होते हैं उसमें चस्के लेने वाले आपके इश्यूज होते हैं, ऐसे ही है। एक घंटा जाया करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वो खुदाफिज करते हैं आगे निकलते हैं। और मैं बड़ा देख के हैरान होता हूँ कि हम, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पे कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ये चीज डिस्कस करता है कि भाई आज दुनिया में क्या चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, और इन चीजों के ऊपर हम हमेशा बैठ के ये बहस करते हैं। एक पीटीआई वाला बैठ जाता है, एक नून लीग वाला, एक पीपल पार्टी वाला, वो कहते हैं तुम चोर हो, वो कहते हैं तुम चोर हो, ये तो बात ही नहीं कर रहे कि भाई हम खड़े कहाँ पे। बात ये है, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, और दूसरा एक बात और समझने की है कि आपका जिस कौम का विजन स्ट्रांग होता है ना वो कौम बहुत तरक्की करती है। अच्छा सर, विजन बनता कैसे? आपको एक छोटी सी कहानी, इंडिया का विजन कैसे बन गया? आपको बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूँ। 1947 में हमने आजादी ली, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है, ठीक है। उनको वो, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था। हाँ, चर्स नशा। और चर्सी नशाई, और वाकई वो लागर बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी, ऐसे ही है। और उनके पास भी एक लीडर है, माओ ज़ेडुंग आया। माओ ज़ेडुंग ने अपनी कौम को बुलाकर जब हालात देखे ना तो उसने कहा कि मैं, मुझे दो हाथ नहीं चार हाथ चाहिए। और उसके लिए कहा कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जी जरूर। तो माओ ज़ेडुंग ने कहा अपनी कौम को कि एक गांव था चाइना का और उसमें धूप नहीं आती थी क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा हुआ था। ठीक है। तो वहां पे सदियों से लोगों ने धूप देखी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था धूप क्या है, और दूसरे शहरों में जाते थे तब देखते थे धूप भी कोई चीज होती है। ठीक है। तो वहां से एक आदमी निकला और उसने हथौड़ी छेनी ली और वो चलना शुरू किया कि मैं ये पहाड़ गिराऊंगा और धूप लेकर आऊंगा। ठीक है। अब ये बात हो रही विजन की, अभी आपने कहा ना विजन क्या होता है, दिस इज सिंपल स्टोरी ऑफ विजन। ठीक है। अगर आप विजनरी हैं, आपका विजन स्ट्रांग है और यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर द नेशन एज वेल, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो लोगों ने ना उस बंदे को पत्थर मारने शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये पागल है, ये पहाड़ तो सदियों से है, हमारे तो कौमों ने देखा, हमारे बाप दादों ने देखा, ये कैसे टूटेंगे। और वो बंदा फिर पत्थर लगते रहे लेकिन वो चलता रहा, वो जाके पहाड़ के ऊपर बैठा और उसने छेनी छोड़ी उठा के मारना शुरू कर दिया पत्थर और तोड़ने शुरू कर दिया। रोजाना उसका मामूल बन गया, लोगों ने उसको इसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। और आखिर ये हुआ, एक बंदे ने उसे पूछा, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कब तक ये पत्थर तोड़ोगे, तो पहाड़ है, तुम मर जाओगे एक दिन। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, छेनी तोड़ी मैं अपने बेटे को दे जाऊंगा और वो मर जाएगा, वो आगे तो ये नस्लें चलेंगी लेकिन टूटेगा। और वो वही हुआ कि उस गांव में आखिर वो पहाड़ टूटे और धूप आई। और वो इसी तरह से माओ ज़ेडुंग ने एग्जांपल दी और लोगों का, मेरे साथ मिल जाओ और हम इस कौम का नक्शा बदलते। अच्छा, ये तो चाइना की आपने सर बात की, ठीक है। हम थोड़ा सा इसलिए इंडिया से लिंक करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि हमारी जो सी खाना, हमारा गुफ्तगू का अंदाज, हमारी चीजें काफी हद तक उनसे मैच करती हैं। आपने बोला 1947 में चाइना बना और ये 1947 में तो इंडिया का भी मतलब उन्होंने सफर शुरू, कंट्री एक तरह था ना, लेकिन आप ये कह सकते हैं ना कि इंडिया तो वही रहा ना, हमने टूट के अपना घर बनाया, हम अलग हो गए, अलग हुए। ठीक है, हमने उस घर को बनाया, फिर हमारे साथ भी मसले हुए, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ठीक है, लेकिन इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी, मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं और ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि यार वहाँ भी गुर्बत है, लेकिन बड़ा सिंपल कंपैरिजन है। उस कंपैरिजन किया है कि वहाँ की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। ठीक है, पाकिस्तान की अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। लेकिन अगर देखा जाए दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो है उनमें से दो तीन तो मतलब जैसे अंबानी, अडानी और ये टाटा, सातवें नंबर पे आता है अंबानी आता है। हाँ। लेकिन देखे ना वो क्यों आते हैं, एक तो ये है कि हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन, आबादी इतनी बड़ी है कि आप वहाँ पे एक 50 रुपए 10 पैसे की कोई चीज बना के जब बेचते हैं तो वो 122 करोड़ की आबादी को बेच रहे हैं, 40 के करीब हो गई अब तो, मतलब अब चाइना 150 पे 32 पे खड़ा था, ये 122 पे थे, अब वो और ज्यादा ग्रोथ आबादी बढ़ रही। बहरहाल समझने की बात ये है कि हम जो कौमें अपने आप से सिंसियर होती है ना वो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, जो कौमें अपने आप से लड़ती है ना, और सिंपल फिर और इसको आसान लफ्जों में, अगर मेरे घर में मसाइल रोटी कपड़ा मकान के रहेंगे तो मैं कैसे डेवलपमेंट की बात करूंगा,
मैं कैसे उसको 5 मरले से 10 मरले की तरफ जाऊंगा, मैं तो 5 मरले को संभालने की जंग में लड़ता ऐसे ही है, उसी में खत्म। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, खासकर सोहेब चौधरी जिस तरीके से सवाल पूछते हैं और जिस तरीके से इस अंकल जी ने जवाब दिया ये काबिले तारीफ था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस विषय के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।